लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अखिलेश के अपने ही साथी अब उनको मुश्किलों में डालते नजर आ रहे हैं। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद पल्लवी पटेल ने नाराजगी जाहिर की थी, वहीं अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस्तीफे को लेकर दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इशारों ही इशारों में राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव को अपने इस्तीफे का जिम्मेदार बताया है। साथ ही कहा कि पार्टी के कुछ नेता अपने आप को आलाकमान से ऊपर समझते हैं, ऐसे लोग पार्टी का भट्टा बैठाना चाहते हैं, इसलिए मैंने अखिलेश यादव को पत्र लिखकर जानकारी दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन नेताओं को भी हिदायत दी जिनके चलते उन्होंने ये फैसला लिया है। इसमें कोई दोहरा नहीं कि पार्टी में कुछ स्वयंभू बड़े नेता हैं जो अपने को पार्टी का आलाकमान मान के चलते हैं, उनकी जुबान पर कोई लगाम नहीं है। किसी को कुछ भी कह देना, कार्यकर्ताओं को अपमानित कर देना, मेरे बयान को निजी कह देना, इस तरह के लोग कहीं ना कहीं पार्टी का भट्टा बैठा रहे हैं, पार्टी का जनाधार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और इसीलिए उन सारी बातों को मैंने मौखिक रूप से भी और पत्र के माध्यम से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराना उचित समझा, और इसीलिए उस पत्र को मैंने भेजा, जैसे कि समय रहते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी सारी पार्टी में चल रही गतिविधियों की जानकारी हो जाए। तो कुल मिलाकर के अब फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है। हमने तो भावनाएं थी, कुछ लोगों की टिप्पणियों से जो मुझे पीड़ा थी, पत्र में विद्युत उल्लेख करके मैंने उसको भेज दिया है। अब आगे का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करना है। और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है क्या? जो इसको मतलब ही नहीं जानते हैं वो मेरी किसी भी बात को निजी बयान कह करके हवा में उछालने की कोशिश करते हैं। ऐसे शेख चिल्ली बघाने वाले लोगों को मेरी हिदायत है कि कम से कम जिस पार्टी में हैं उस पार्टी के विरुद्ध महत्वपूर्ण पद पर बैठकर साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वहीं सपा द्वारा राज्यसभा उम्मीदवार के ऐलान के बाद पल्लवी पटेल की नाराजगी को लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा पल्लवी जी बहुत जिम्मेदार और समझदार नेता हैं। पल्लवी जी बहुत जिम्मेदार और समझदार विधायक हैं, नेता हैं, इसलिए अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से स्वाभाविक रूप से कोई न कोई वार्ता होगी। हाँ, इतना जरूर है कि प्रोफेसर साहब को जल्दबाजी में इस तरह के तंज नहीं कसना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।